संस्कृति अद्भुत है यहाँ की। उन्नति की लीक पर चलते हुए गूंजते हैं सद्भावना के सुर। ये है योगी आदित्यनाथ जी की कर्मस्थली, ये है हमारा गोरखपुर। गोरखपुर आज विकास के स्वर्णिम काल से गुजर रहा है। हर बच्चा आगे बढ़ रहा है। अब गोरखपुर का भविष्य निखर रहा है। प्राथमिक विद्यालयों का नवीनीकरण हो रहा है। मॉडर्न क्लासरूम में प्रोजेक्टर की मदद से पढ़ाया जा रहा है। सभी बच्चों के लिए पढ़ाई की हर जरूरी सुविधा के साथ साथ पोषक खाना भी मिड डे मील के माध्यम से दिया जा रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग को ड्रेस मिलता है, कॉपी किताब मिलते हैं, बैग मिलते हैं, जूते मोजे मिलते हैं, टाई बेल्ट टाई कार्ड, हमारे पूरे ड्रेस गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं। उच्च शिक्षा के लिए दो नए राजकीय विद्यालयों का भी निर्माण प्रगति पर है। गोरखपुर में एम्स की स्थापना हुई है, जिसमें ओपीडी की शुरुआत हो चुकी है। एम्स का स्थापना गोरखपुर के लिए क्या पूरे उत्तर प्रदेश के लिए और पूरे बिहार के लिए या उत्तर प्रदेश के आसपास के जिलों के लिए या आसपास के प्रदेशों के लिए बहुत बड़ी सौगात है ये, और ये बहुत अवेटेड था। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 200 बेड वाला सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनवाया गया है। 150 करोड़ की लागत से बने इस ब्लॉक में 7 ऑपरेशन थिएटर, 40 आईसीयू और 8 विभाग शामिल है। पीजी छात्र छात्राओं के लिए नए हॉस्टल बनाए जा रहे हैं। इंसेफ्लाइटिस के मरीजों के लिए 500 बेड वाले बच्चों के हॉस्पिटल का निर्माण कार्य जोरों पर है। जाम की स्थिति समाप्त करने के लिए नंदा नगर में अंडरपास का निर्माण चल रहा है। आसपास के क्षेत्रों से गोरखपुर को जोड़ते गोरखपुर महाराजगंज 4 लेन सीसी रोड का कार्य प्रगति पर है। समय की बचत और सुरक्षित सफर के लिए शहर की सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है। परिवहन व्यवस्था को नया आयाम देते हुए 2 बस स्टैंड का नव निर्माण किया जा रहा है। शहर में बन रहे भवनों की बात करें तो लक्षित समय से पूर्व सर्किट हाउस पर एनेक्सी भवन का निर्माण किया गया है। गीड़ा क्षेत्र में भव्य गीड़ा भवन बनाया गया है। साथ ही साथ 3 नए उद्योग लगाए गए हैं, जिससे शहर के लोगों को रोजगार मिला है। वर्षों से बंद पड़े खाद कारखाने दोबारा प्रारंभ किए जा रहे हैं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कमी आएगी और सस्ते दर पर किसानों को यूरिया मिलेगा। पर्यटन के अवसर बढ़ रहे हैं, विकास के योगी नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं। रंग कर्मियों और लोक कलाकारों के लिए 50 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रेक्षागृह बनाया जा रहा है। गोरखपुर वासियों के मनोरंजन के लिए चिड़ियाघर का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। साथ ही सभी आयु वर्गों को पर्यटन का नया अनुभव प्रदान करता नौका विहार नया पिकनिक स्पॉट बनकर उभरा है। नए स्टीमर्स और गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, तो एक बेहतरीन गोरखपुर का एक पिकनिक अच्छा स्पॉट है और मुझे काफी अच्छा लगता है यहाँ पे। विमेन सेफ्टी के लिए लेके काफ़ी चेंजेस आए हैं। पहले न्यूज़पेपर अगर आप उठा के देखते थे तो इफ टीजिंग हुआ एंड विमेन से वायलेशन की खबरें इतनी ज़्यादा थी, जिसमें एकदम ट्रिमेंडस डाउनफॉल आया है। पेट्रोलिंग अगर आप देखें तो 100 नंबर की गाड़ियां परमानेंट आपको सड़क पे घूमती हुई दिखाई देंगी। गोरखपुर के इतिहास में विशेष महत्व रखने वाले गुरु गोरक्षनाथ जी की जीवनी और उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए शानदार लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जा रहा है। पुरानी परंपरा को नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना, ये एक अलग तरह का तजुर्बा जो किया गया है। मेरे हिसाब से ऐसे ऐसे जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं उसको इसी तरीके से दर्शा के ताकि नए लोगों को भी जोड़ा जा सके। निखर रहा है, सवर रहा है, अब गोरखपुर बदल रहा है। हम लोग पहले तो लकड़ी बिन बिन के लाते थे, चूल्हा जलाते थे, आग में धुआं लगते थे। अब बहुत सुविधा दे दिए हैं हम लोग के, गैस दे दिए हैं और अच्छे से अब हम लोग बनाते हैं, खाते हैं, रहते हैं और घर मकान भी दे दिए हैं। सड़क बिजली पानी है, अब जीवन में आसानी है। बेहतर अस्पताल है, स्कूल कॉलेज और पक्के मकान है। अब नहीं कोई डर है, कानून व्यवस्था बेहतर है, रोशनी से झिलमिलाते मनोरंजन के स्थान है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में
ये बदलता गोरखपुर है, ये हमारी शान है।